हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि आपको रोज़ बार बार हम क्यों याद दिलाते रहते हैं कि फेस्टिवल चल रहा है, वो भी इंडिया का। देखिए, नवरात्रि को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, और ज़्यादा खुशनुमा बनाना है, तो इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिल पा रहा। आपकी नज़र के सामने देखिए इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि 200 से भी ज़्यादा हैं। कहीं आपको कानपुर का लेदर देखने का मौका मिलने वाला है, तो कहीं जयपुर के घराने से कुछ ऐसे नायाब से तोहफे हैं, कुछ ऐसे नायाब से कपड़े हैं जिसको बिना देखे बिना लिए आपका जी तो नहीं भरने वाला है। और हाँ, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि सुबह 10 बजे से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आप आराम से एंट्री कर सकते हैं, कोई एंट्री फी नहीं है। और हाँ, पार्किंग भी बिल्कुल फ्री है, तो कोई वजह है ही नहीं कि आप ना आए। एक दशहरे का मौका है और ऐसे में जब देश विदेश से इतने सारे स्टॉल्स लगे हों जहाँ इतना कुछ देखने के लिए है। अब देखिए यहाँ पे वो 5D वाला जो मैजिक है ना, 5D वाली जो पेंटिंग है वो देखने को मिल रही है। अच्छा, एक और बात है, ऐसा नहीं है कि मेला है तो आपको कीमत कहीं ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है, बिल्कुल आपके बजट में है। एक बार आइए, एक बार शिरकत करके देखिए ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हुए और देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या खास है और आपको क्यों आना चाहिए। हमने वैसे तो आपको सारी वजह बता दी कि आपको क्यों ये मेला देखना चाहिए। अच्छा, एक और बात है भाई, 24 तारीख के बाद ना कोई मौका नहीं मिलने वाला है, 24 तारीख तक ही आप आ सकते हैं। इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बाद में आपको गाना गाना पड़े कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। इससे पहले कि देर हो जाए, ज़रा मेरे साथ एक बार नज़र डालिए, ज़रा करीब से देखिए कि आपको लगता नहीं है कि ये जो बेडिंग्स हैं ये आपके कमरे में कितने ज़्यादा सुंदर लगने वाली हैं। सोचिए आपका बेड ऐसे पेस्टल जो शेड्स हैं वो और ज़्यादा आपके बेडरूम को खूबसूरत बनाने वाली है। फिर देखिए यहाँ पे आपको कंफर्टर भी दिख रहा है, यहाँ पे पिलो कवर्स कितने सुंदर हैं, ये लेसी वाला डिज़ाइन कितना ज़्यादा यूनिक लग रहा है ना, बड़ा क्लासी सा, बड़ा मार्केट सा। लेकिन यहाँ पे ना इतने सारे स्टॉल्स हैं कि मुझे लगता है कि शायद मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी। वैसे मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे कलरफुल सूट्स भाई, देखिए यहाँ पे ये देखिए बॉलीवुड सूट्स जो हैं वो चंडीगढ़ पंजाब से लेके आए हैं, और कीमत देखिए 1200 रुपये। 1200 रुपये में भला आपको ऐसे सूट्स कहाँ देखने को मिलेंगे जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ज़रा एक बार नज़र डालिएगा, अब देखिए यहाँ इतना कलेक्शन है कि आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन ये कलेक्शंस ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और यहाँ पे क्या है ऐसा खास जिसको मुझे आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। यहाँ पे अगेन फिर से सूट्स का कलेक्शन है, कलर्स कितने प्यारे प्यारे हैं। देखिए यहाँ पे कहीं वो बेबी पिंक कलर मिल जाता, कहीं धागे वाली एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, यहाँ पे देखिए सीक्विन का काम मिल जाता है। देख रहे हैं, मतलब पार्टी वेयर आपको लेना है, आपको रोज़ाना पहनने के लिए लेना है, आपको ऑफिस वेयर लेना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हुए, अच्छा लोगों का तांता ऐसा लगा हुआ है, ऐसी भीड़ है कि बस पूछिए। मतलब लोग जहाँ इतनी भीड़ लगा के आए हैं तो सोचिए कोई बात तो ज़रूर होगी ना। क्यों आप ये मौका चूक रहे हैं? आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि शॉपिंग करने का शौक अगर आपको है तो आपके लिए तो ये मतलब मैं क्या कहूँ, हाँ मज़ा दिलाने वाली जगह है। चलिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पे और क्या मिल रहा है, क्यों हमें यहाँ आना चाहिए, आपको और भी बहुत सारी वजह दे देती हूँ। मैंने तो सोचा था सिर्फ 5 वजह बताऊँगी, लेकिन मुझे लगता है 100 से कम वजह आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए ये देखें ये रेडीमेड सूट्स हैं, मतलब यहाँ पे आपको टेलर को पैसे देने का खर्चा भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये सिले सिलाए, बस आपको अपने हिसाब से इसको फिटिंग करानी है और इसको पहनना। आप देख रहे हैं ये जो डिज़ाइन है, ये जो कलर है, कोई इसका जवाब है ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे ये अगर पार्टी में आप पहनेंगे कितनी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। सोचिए ज़रा ये जो कपड़ा है कितना ज़्यादा खूबसूरत है, दुपट्टे के साथ आपको सब कुछ मिल जाता है। और प्राइस देख लीजिए यहाँ पे, ये सिला सिलाया सूट 1500 का मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या मिल रहा है। अच्छा, अब थोड़ा खाने पीने की भी बात हो जाए, तो अगर हम खाने पीने की बात करते हैं तो राजस्थानी स्पेशल गजक की बात करें, ये देखिए यहाँ पे ये जो वैरायटी है आपकी नज़र के सामने है, एक एक चीज़ देखिए। अब ये आप कभी पार्सल करके मंगवाती है, कोई घूमने जाता है राजस्थान तो उससे मंगवाती है, लेकिन वही सारी लेगेसी, वही सारा, वो कहते हैं ना बस भाई बिना मुंह मीठा किए तो वैसे भी कोई खाना कंप्लीट नहीं होता, तो मुंह मीठा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी वैरायटी आपको मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आप हैंडलूम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको लगता है कि हैंडलूम के जो बेड कवर्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ पर देखिए कॉटन क्राफ्ट हैंडलूम आपको मिल जाता है, जो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हैंडलूम अगर आपको भी पसंद आ रहा है तो ये जगह बिल्कुल आपको सूट करती है। और अगेन यहाँ पर देखिए, अगर आपको कुछ डीप फ्राई खाने का मन नहीं है तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये जो स्नैक्स हैं जो शाम की चाय के साथ बहुत अच्छा लगने वाले हैं,
ये देखिए यहाँ पे, वाओ, ये स्मार्ट स्नैकर है इसका नाम, और किस तरीके से स्नैक तैयार किया जा रहा है आपकी नज़र के सामने। देखिए ये स्नैक तैयार हो रहा है भाई, आपकी शाम की चाय के साथ ना ये नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट लगने वाला है। डीप फ्राई करने का झंझट नहीं, कोलेस्ट्रॉल का कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हुए और देखते हैं और क्या है यहाँ पे। अगर आपको शेक्स पीने का बहुत शौक है तो ये वाला जो स्टॉल है ना, ये आपका फेवरेट बनने वाला है। यहाँ पे देखिए वैरायटी इतनी सारी है, यहाँ पे इतने सारे फ्लेवर्स हैं। अगर आपके बच्चों को दूध पीना अच्छा नहीं लगता है ना, तो ये सब आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए अब इनसे जानते हैं कि आखिर इनमें क्या खास है जो बाकी जगह नहीं मिलता। ये बताइए कि जो शेक्स हैं ये कितने सारे फ्लेवर में है? मैम ये जो फ्लेवर्स हैं ये काफ़ी तरह के फ्लेवर्स हैं। इसमें आपको मैंगो, चॉकलेट, पाइनएप्पल, स्वीट चॉकलेट और अब कैपेचिनो और स्ट्रॉबेरी, काफ़ी तरह के। जो पब्लिक जा रही है उनकी जो डिमांड है स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच रहता है, और आज देखा जाए तो वो ज़्यादातर हम लोग का हॉट सेलिंग हो रहा है। मतलब स्ट्रॉबेरी और कैपेचिनो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सबसे ज्यादा तो स्ट्रॉबेरी और नंबर टू पे है बटर स्कॉच। बटर स्कॉच भी लोगों को पसंद आ रहा है, बटर स्कॉच भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और ये बताइए कि जो आ रहे हैं वो एक बार में कितने कितने पैक्स ले रहे हैं? मैम एक बारी में कम से कम वो 5-5 पैक ले रहे हैं। एक बार रिटर्न आते हैं दोबारा कहते हैं हमें वही दोबारा दीजिए। क्या बात है, मतलब एक बार में 5-5 पैक्स लोग लेके जा रहे हैं, तो देखिए कोई तो बात होगी। अब जैसा हमने आपको बताया कि लोगों को शेक्स बहुत पसंद आ रहे हैं, खासतौर से बच्चों को, तो चलिए एक बार नन्हे मुन्ने बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष। और क्या लेने आए आपको, क्या जिद की आपने मम्मी पापा से लेने के लिए? बटर स्कॉच शेक। तो आपको नॉर्मल दूध पीना पसंद नहीं है, तो कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंदीदा है? कितने पैकेट्स लिए आपने? दो। क्या बात है, देखिए बटर स्कॉच एक्चुअली लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, हॉट सेलिंग भी है। तो अगर आपके भी बच्चे प्लेन दूध पीने में आनाकानी करते हैं, मुझे लगता है इससे परफेक्ट जगह नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आप घर पे बैठे हैं अभी तक और अभी तक आपने यहाँ आने का सोचा नहीं है ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में रहते हुए, NCR में रहते हुए आप इस TV9 फेस्टिवल इंडिया को मिस करें, क्योंकि अगर आपने आज ये मिस कर दिया ना तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और इसके अलावा आपको एक बात तो याद दिलाना ही भूल गई मैं, रंगारंग कार्यक्रम। लो भैया ये मुझे ही साइड करा रहे हैं, मतलब हद नहीं है। यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम तो चल ही रहा है, मतलब रंगारंग ऐसा कार्यक्रम चल रहा है कि डांडिया से लेके राजस्थानी डांस से लेके गुजराती डांस से लेके सब कुछ देखने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें बहुत सारी भीड़ देखने का मौका मिल रहा है, और लोग ना बड़े खुशी से चेहरे पे स्माइल लेके पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो खास होगा। चलिए और देखते हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, और हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेस्ट करने के लिए मिल रहा है। क्या है ये? केरला का हलवा है मैडम। अच्छा, केरला का हलवा मैं ट्राई करूँ। ये हलवा बहुत ही यमी है, लेकिन इसकी और भी बहुत कुछ खासियत है। चलिए सर से जानते हैं। सर ये जो केरला हलवा मैंने खाया, इसमें क्या खास है? देखिए ये ना एक मार्वलस प्रोबायोटिक के तौर पे काम करता है। इसको फ्रूट पल्प को फर्मेंटेशन किया जाता है। इसको अगर आप खाने के बाद इतना सा पीस भी खा लोगे ना, तो इसमें गट्स के अंदर जो हमारा बैक्टीरिया है, जो गंदा, जो हमारे शरीर का 50% प्रोटीन खा जाता है, हम जो भी खा रहे हैं उसका खा जाता है वो, क्योंकि चिपके पड़े हैं, ये उसको मार करना स्टूल के जरिए बाहर निकाल देता है। तो मिठाई की मिठाई और मार्वलस प्रोबायोटिक, आपको कभी प्रोबायोटिक का कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं। 10-15 दिन भी खा लिया, अपनी हेल्थ की परफॉर्मेंस में फर्क आप फील करने लगोगे। क्या बात है, कितनी बेहतरीन बात है। मतलब कोई मीठी चीज़ वो इतने फायदेमंद हो, कभी सोचा था आपने? लेकिन यहाँ पे देखिए वो सब है इसमें जो फायदे आपको चाहिए, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, इसमें एक दो नहीं बिल्कुल 8 फ्लेवर्स है, जैसा कि सर बता रहे हो, जैसा मैं दिख भी रहा है। तो एक बार सर जरा यहाँ पे कैमरा कीजिए। देखिए अंजीर हलवा है, अरेबियन ड्राई फ्रूट हलवा है, बादाम हलवा है, हनी ड्राई फ्रूट हलवा है, पिस्ता हलवा है, ग्रेप हलवा है, पाइनएप्पल ड्राई फ्रूट हलवा है, मैंगो हलवा है, स्ट्रॉबेरी हलवा है। वैसे इनका नाम लेते लेते मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हुए और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ड्राई आंवला, ड्राई जिंजर, चूरन, सुपारी, पिकल्स। वैसे ये वाला जो स्टॉल है ना, मुझे लगता है कि हर फेस्टिवल के मेले में ज़रूर का ज़रूर नज़र आता है। आपको लगे हाँ, तो फिर से याद दिलाते कि आपको TV9 एक बार सब्सक्राइब भी करना है। TV9 भारतवर्ष पे जाके एक बार सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। वैसे भी आपको ना बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज से रूबरू कराता है। ट्रेंड्स 9 को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहाँ भी आपको सारी लेटेस्ट ट्रेंडी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिलहाल ये जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ना, जो TV9 की तरफ से है, इसमें आपको शिरकत ज़रूर करनी है, क्योंकि इस मेले में आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे खाने की बात हो, पंजाबी पापड़ को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे देखिए पंजाबी पापड़ आपको देखने को मिलेंगे, देखने को नहीं आपको तो खरीदने को भी मिलेंगे। मतलब इतने तरह तरह के पापड़ हैं। देखिए यहाँ पे देखिए
लगातार आपको दिखा रहे हैं हर तरीके का पापड़ जो आपको पसंद था। और देखिए पंजाबियों का नाम हो तो खाने पीने से रिलेटेड तो वो होगा ही। यहाँ पे देखिए पंजाबी पापड़, ये देखिए वाओ। और लोग कहाँ से मैम इस फेस्टिवल में आके आपको कैसा लग रहा है? इट्स गुड, इट्स रियली गुड। यू गेट टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। आई हैव बॉट सम वीको पेस्ट एंड देन मुरादाबादी लैम्प्स एंड दीस टेस्ट गुड। अब खाने पीने के बाद से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख लीजिए, देखो लड़कियों के लिए ना महिलाओं के लिए हर फेस्टिवल में इतना कुछ होता है कि बस पूछो मत। कहीं दुपट्टे आपको मिल रहे हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनके प्रिंट्स आप देख रहे हैं, इनके डिज़ाइन देखिए, कहीं चंडीगढ़ का डिज़ाइन मिल जाता, कहीं वाली प्रिंट आपको मिल रहा है, तो कहीं वो ट्रेडिशनल दुपट्टा। ये देख रहे हैं ये मोर वाले दुपट्टे, ये जो ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और हर जगह का फैब्रिक उसकी अपनी अलग पहचान होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो खरीदारी करने आए हैं। और खरीदारी कर अगर आप चूक गए हैं तो आपको फिर से याद दिला दें कि आपको यहाँ पे आना ज़रूर है। एंट्री फ्री है, बिल्कुल फ्री है, पार्किंग फ्री है, सोचना क्या है, चले आइए। अब अगर आपने कपड़े देख लिए हैं, खाने पीने का सामान देख लिया है, तो इन जुतियों को भी देख लीजिए। ये जो जुतियाँ हैं ये भी इनके भी जो डिज़ाइन हैं वो कितने सारे हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। देख लीजिए तरह तरह के, यहाँ पे कहीं मोतियों का काम मिल रहा है, कहीं ये ट्रांसपेरेंट वाला डिज़ाइन मिल रहा है, कहीं ये कलर ब्लैक मिल रहा है, कहीं ये पार्टी वेयर गोल्डन कलर मिल जाता है, कहीं ये सीप का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका इनकी जो कीमत है वो फिक्स्ड है, 600 रुपये में। और क्या लोगे 600 रुपये में, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा भला। और ये थाईलैंड फुटवेयर है, मतलब विदेशी है भाई, 600 रुपये में मिल रहा है, मुझे लगता है स्टील डील है, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है। एक बार फिर से आपको हम सैर कराते हैं कहीं और की। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको अपना भविष्य जानना है, टैरो कार्ड पे अगर आप विश्वास रखते हैं टैरो पे, तो यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर मैं मोहतरमा बैठी हैं, लेकिन बहुत लोगों को अपना भविष्य भी बता रही हैं, तो यहाँ पर वो सब भी आपको मौका मिलेगा। ये देखिए ये जो है ये कहते हैं ड्रीम कैचर, आपके सपनों को कैच कर देता है, अगर आप इन सब में बिलीव करती हैं तो ये बहुत अच्छा है। और आगे बढ़ते हुए ओ गुरुदेव पर्ल्स हैदराबाद, हैदराबाद गए, और जो सच्चे मोती होते हैं वो हैदराबाद में कितने फेमस हैं, लेकिन हम हैदराबाद से चार मीनार नहीं ला सकते। हैदराबाद की बिरयानी भी है बाहर, स्टॉल है, लेकिन साथ में देखिए हैदराबाद के पर्ल्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और अलग अलग डिज़ाइन, मतलब अगर आपको ये गॉडी वाला डिज़ाइन पसंद हो तो देखिए यहाँ पर ये वाओ, यहाँ पर लक्ष्मी माता बनी हुई हैं, और यहाँ पे मोर वाला ट्रेडिशनल डिज़ाइन देखने को मिलता है। आपकी साड़ियों के साथ, आपके सूट्स के साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर आप इसको वेस्टर्न वेयर के साथ पहनना चाहती हैं तो ये पर्ल्स आपके कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगने वाले हैं। ये जो ईयरिंग्स हैं छोटे छोटे, बड़े बड़े, अलग अलग डिज़ाइन के हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे इनकी प्राइस कितने से शुरू होती है, प्राइस कितने से शुरू होती है इनकी? 2000 एंड टिल, ओके तो यहाँ पे 2000 शुरू हो रही है और 1.5-2 लाख तक का यहाँ पे सारा वो सामान पड़ा हुआ है जो एक्चुअली में आप एक्ट्रेसेस को पहने हुए देखते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ को पहने हुए देखते हैं और सोचती हैं काश ये मेरे पास होता, तो काश जो है ना वो आपको मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मिल गया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपनी पसंद की खरीदारी कर सकती हैं, लेकिन हाँ वैरायटी इतनी है कि कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि क्या लें क्या ना लें, ये आपको सोचना पड़ेगा यहाँ आने के बाद कि इतनी सारी वैरायटी में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ जो है वो लुभा रही है और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है।